Plaza, subscribe to my channel and press bell icon first. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिसलपुर से अपनी अगली वीडियो के साथ उपस्थित हूं। बच्चों, यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो नंबर 6 है और हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों भाई, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखें ताकि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आ सके। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं उस कमेंट्स को पढ़ूं और आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। बच्चों, चालकत्व जो आप देख रहे हैं, इस चालकत्व को हम लोग कंडक्शन भी बच्चों बोलते हैं। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं आपको बच्चों, मैं इसके अंदर आपको कई सब छोटे छोटे टॉपिक्स की भी जानकारी दूंगा। उन छोटे छोटे टॉपिक्स को भी बच्चों आपको अपने कॉपी पर नोट करना है, क्योंकि उनसे भी प्रॉपरली लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों, कंडक्शन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, इस फार्मूले को बहुत ध्यान से सुनिए। यह फार्मूला है R इजकल टू रो L अपॉन E। अब आप पूछेंगे, सर इस फार्मूले को बताने के पीछे कारण क्या है, तो आप लोग उसको भी बहुत ध्यान से सुनिए। बच्चों, इस फार्मूले में कई ऐसे पद समाहित हैं जो बच्चों कंडक्शन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो R आप देख रहे हैं, इस R को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। R का मतलब रेजिस्टेंस से होता है, रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है और इंग्लिश में बच्चों इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। यह जो आप रो देख रहे हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं और इसको हम लोग हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यह बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध है और विशिष्ट प्रतिरोध को बच्चों इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक, आप लोग देखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हमको ये दो पॉइंट भी पढ़ने होंगे, इसीलिए बच्चों मैंने इस फार्मूले को नोट किया। अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर। बच्चों, मैं यहाँ पर एक चालक पदार्थ लेता हूँ और उस चालक पदार्थ को लेकर के बच्चों में कई टॉपिक्स को सिद्ध करने वाला हूँ, कई टॉपिक्स को आपको समझाने वाला हूँ। बच्चों, यह एक चालक पदार्थ है। मैं मान लेता हूँ इसकी जो लंबाई है वो स्मॉल एल है और ये जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल को हम लोग डिनोट करने वाले हैं, प्रदर्शित करने वाले हैं कैपिटल ए से। इतनी बात क्लियर हो गई। बच्चों, अब आगे की बात सुनिएगा। यहाँ पर बच्चों मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का बात करूँगा, आप लोग एक एक पॉइंट्स को अपनी कापी पर नोट करते रहिए। बच्चों, अगर इस चालक पदार्थ के अंदर बच्चों हम लोग कोई आवेश प्रवाहित करते हैं, अगर हम लोग इस चालक पदार्थ के अंदर, मैं इसी चालक की क्यों बच्चों, हम लोग किसी भी चालक की बात करें, अगर किसी चालक पदार्थ के अंदर आवेश को प्रवाहित किया जाता है, अब आप पहली बात तो यह सुनिए, आवेश से बच्चों तात्पर्य क्या है। आवेश से तात्पर्य होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है तो बच्चों केवल और केवल मतलब आवेश से होता है। बात क्लियर हो गई। और जब भी आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहीं पर प्रवाहित किए जाते हैं तो उनसे जिसका निर्माण होता है वह टर्म कहलाती है विद्युत धारा। अर्थात आवेश प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है, तो विद्युत धारा का निर्माण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है, विद्युत धारा का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो जब भी किसी चालक पदार्थ के अंदर हम लोग आवेश को प्रवाहित करते हैं या हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करते हैं, तो बच्चों होता क्या है, इस चालक पदार्थ के अंदर बच्चों पहले से ही उपस्थित दूसरे प्रकार के जो आयन हैं वो बच्चों इसकी गति में अवरोध पैदा कर देते हैं, इसकी गति में रुकावट पैदा कर देते हैं। अब इस आवेश की गति में रुकावट होना, या मैं कह सकता हूँ मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट होना, और अगर मैं इन दोनों शब्दों का यूज ना करूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट होना।
तो विद्युत धारा, मैं यहाँ पर परिभाषा निकाल करके लेकर के आता हूँ, देखिएगा। विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के, या मैं ऐसे कह लीजिए विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाली, विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाली रुकावट, विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाली यह जो रुकावट है बच्चों, इसी रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध क्या होता है। बच्चों विद्युत धारा के मार्ग में होने वाली यही रुकावट क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। बात क्लियर हो गई बच्चों। इस प्रतिरोध को हम लोग प्रदर्शित काहे से करते हैं, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका था, आप देखिएगा। इस प्रतिरोध को हम लोग बच्चों कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गई। फिर एक बार आपको बता दूं कि जैसे ही आप आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा विद्युत धारा को किसी चालक पदार्थ के अंदर प्रवाहित करते हैं, तो चालक पदार्थ में उपस्थित दूसरे प्रकार के आयन इस आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर देते हैं। अब विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाली यही रुकावट बच्चों क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब मैं बच्चों इस प्रतिरोध की कुछ कंडीशन बताता हूँ कि यह चालक पदार्थ से किस प्रकार रिलेशन रखता है। चलिए मैं उसकी बात करता हूँ। सबसे पहला टर्म, ये जो आप प्रतिरोध R देख रहे हैं बच्चों, यह चालक पदार्थ की जो लंबाई आप L से शो कर रहे हैं, तो यह प्रतिरोध इस चालक पदार्थ की यह जो लंबाई है बच्चों, उसके समानुपाती होता है। क्लियर हो गई बात बच्चों। इसके क्या होता है, तो बच्चों इसके समानुपाती होता है। अब अगर यह प्रतिरोध जो आपको मैंने बताया, अगर यह प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती है, बड़ा ध्यान देना, अगर यह प्रतिरोध इस चालक पदार्थ की लंबाई के समानुपाती है, तो बच्चों उसके पीछे का मतलब क्या है, उसके पीछे का मतलब यह है कि बच्चों अगर चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी, मैं यहाँ पर लिखता भी जाता हूँ कि चालक पदार्थ की यह जो लंबाई है बच्चों, वह जितनी अधिक होगी, चालक पदार्थ की जो लंबाई है वह जितनी अधिक होगी बच्चों, प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध का एक नाम मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, और रुकावट। लंबाई चालक की जितनी अधिक होगी, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब रुकावट, रुकावट भी बच्चों उतनी ही अधिक आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या बताया कि यह जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई L के बच्चों समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई जितनी अधिक होगी बच्चों, प्रतिरोध या मैं कह सकता हूँ रुकावट उतनी ही अधिक होगी। क्लियर हो गई बात। चलिए बच्चों मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ। अब दूसरा पॉइंट बच्चों क्या, चलिए मैं उसका भी जिक्र कर लेता हूँ। दूसरा पॉइंट भी बच्चों अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, क्या हो सकता है, चलिए चर्चा करते हैं। बच्चों यही रुकावट अर्थात यही प्रतिरोध R, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था जिसको आपने A से डिनोट किया था बच्चों, यह प्रतिरोध उस अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है बच्चों, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई L के तो यह समानुपाती था, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका मतलब क्या होगा, चलिए चर्चा करते हैं। यह जो अनुप्रस्थ काट का बच्चों क्षेत्रफल है वह जितना अधिक होगा, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है बच्चों वह जितना अधिक होगा, एक एक पॉइंट को कॉपी पर नोट करना आप, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ही बच्चों अधिक होगा, ये मान के चलिए कि प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब बच्चों और रुकावट, बच्चों ये रुकावट उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रुकावट उतनी ही कम हो जाती है। तो लंबाई जितनी अधिक होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और क्षेत्रफल जितना अधिक होगा बच्चों, प्रतिरोध इसका मतलब रुकावट उतनी ही बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने देखा बच्चों, मैंने भी प्रतिरोध के आपको दो रिलेशन बताए,
एक रिलेशन मैंने किसके साथ बताया, एक रिलेशन बच्चों मैंने लंबाई के साथ बताया कि लंबाई के बच्चों समानुपाती होता है, और दूसरा रिलेशन बच्चों मैंने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ बताया कि क्षेत्रफल बच्चों जितना अधिक होगा रुकावट यानी प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए आगे बात करते हैं। तो अब यह दोनों रिलेशन को बच्चों में एक काम करता हूँ R समानुपाती L, और दूसरा बच्चों हमारे पास मैं इसको समीकरण नंबर एक डाल देता हूँ, और जो दूसरा था बच्चों R व्युत्क्रमानुपाती 1/A इसको मैं दो नंबर डाल देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, मैं इन एक नंबर और दो नंबर की दोनों समीकरणों से बात करता हूँ। दोनों समीकरणों से किस तरह से बात करता हूँ, मैं इन दोनों समीकरणों को अगर ऐड करके देखूं तो अपन को एक नया रिलेशन मिलेगा, और आपको साइन लगाना है L अपॉन A, यह आपको साइन मिलेगा। इस तरह का आपको एक नया रिलेशन प्राप्त होगा, और अगर मैं इस साइन को हटा दूं तो बच्चों आपको इक्वल टू का साइन लगाना होगा, और यहाँ पर बच्चों एक नया स्थिरांक यूज किया जाता है, यहाँ पर एक नई टर्म यूज होती है जिसको हम लोग रो बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिखे भी देता हूँ, ये इसको क्या बोलते हैं, आर एच ओ रो से शो करते हैं। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आपको पता होगा मैंने स्टार्टिंग में इसी फार्मूले की बच्चों बात की थी, इसी फार्मूले की बच्चों मैंने बात की थी, आप मेरी वीडियो को वापस बैक करके देख सकते हैं बच्चों, वही फार्मूला हमको प्राप्त हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। यह प्रतिरोध था, मैंने पहले भी बताया था, इस प्रतिरोध को मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यह चालक की बच्चों लंबाई थी, मैं इसको भी बता चुका था। यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, मैं इसको भी बता चुका था। यहाँ पर एक जो नया टर्म आया है, हालांकि मैं अपनी पहले इस वीडियो को आप लोग बैक करके देखना, वहाँ पर मैं रो के बारे में बता चुका हूँ कि रो का वो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो रो को हम लोग बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग कहते हैं। तो हम लोग बच्चों इस विशिष्ट प्रतिरोध का जिक्र करेंगे कि आखिर यह विशिष्ट प्रतिरोध है क्या। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की, विशिष्ट प्रतिरोध की। प्रतिरोध हम लोग पढ़ चुके हैं, और हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों वह विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग इंग्लिश में बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। अब बच्चों देखिए, आपको पता होगा हमने चालक पदार्थ लिया था, जब हम लोगों ने प्रतिरोध को एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पर चालक पदार्थ लिया था, हमने उसकी लंबाई L बताई थी, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल था बच्चों वो A बताया था, यही तो बताया था। अगर मैं मान लेता हूँ जो चालक पदार्थ की लंबाई बच्चों है वह 1 सेंटीमीटर है, चालक पदार्थ की लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है मेरे बच्चों वह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़ा ध्यान देना, अगर मैं चालक पदार्थ की लंबाई 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर मान लेता हूँ, तो बच्चों आप लोग इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे, चलिए मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ। बच्चों यह जो विशिष्ट प्रतिरोध है, यह विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध को कहते हैं, बहुत ध्यान देना, विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक का प्रतिरोध होता है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है। क्लियर हो गई, तो फिर एक बात सुन लीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, मैं यहाँ पर परिभाषा लिखता भी हूँ, विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध को कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध को कहा जाता है, उस चालक के प्रतिरोध को कहते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैं सारी परिभाषाएं आपको बता देता हूं, विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध को कहते हैं जिसकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है, और बच्चों जिसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब आप विशिष्ट प्रतिरोध भी समझ गए होंगे,
क्लियर हो गई होगी बात। और बच्चों एक बात मैं और बता दूं, हम लोगों ने इस विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित काहे से किया था, तो बच्चों इसको हम लोगों ने रो से शो किया था। काहे से शो किया था? रो से शो किया था। और यह जो रो है एक हमको कब मिला था बच्चों? यह हमको इस सूत्र से मिला था। और इस सूत्र में यह जो रो है बच्चों वो किस रूप में प्रयोग किया गया है तो आप लोग उसको भी ध्यान रखना। यह रो हमको स्थिरांक के रूप में मिला है। किस रूप में मिला मेरे बच्चों? यह हमको रो एक स्थिरांक के रूप में मिला है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रो क्या है, तो रो निश्चित रूप से विशिष्ट प्रतिरोध है, एक बात ये निश्चित है। लेकिन साथ ही साथ बच्चों यह रो एक स्थिरांक है। बात क्लियर हो गई? तो मैंने आपको यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध भी एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब मैं आगे की बात करता हूँ। बच्चों मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरी देखिए ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हो सकें, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। और जैसे जैसे हम लोग लास्ट की ओर बढ़ेंगे बच्चों आपको सारे टॉपिक्स याद हो चुके होंगे, यह मैं 100% कह सकता हूँ। बच्चों अब मैं आगे का जिक्र करता हूँ। अभी तक मैं आपको इस फार्मूले पर लेकर के चला था, आपको उसी फार्मूले को लेकर के अब आगे की बात बताता हूँ। बच्चों अगर मैं इस फार्मूले को उल्टा कर दूँ, उल्टा कैसे? इस आर के स्थान पर मैं बन अपान रो लिख लूँ, बन अपान आर लिख दूँ। मैं इस रो के स्थान पर वन अपान रो लिख दूँ और इस एल अपान ए के स्थान पर मैं ए अपान एल लिख दूँ। तीनों चीज़ें उल्टी कर दी मैंने। आप देखिएगा R इक्वल टू रो एल अपॉन ए जो समीकरण हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अब मैंने इसको उल्टा कर दिया। R के स्थान पर वन अपॉन R, रो के स्थान पर वन अपॉन रो, एल अपॉन ए के स्थान पर हमने ए अपॉन एल कर दिया। अब बच्चों यह जो वन अपॉन R देख रहे हैं ये क्या चीज़ है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों यह जो वन अपॉन आर आप देख रहे हैं बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों कंडक्टेंस, चालकत्व या चालकता कह सकते हैं। तो यह वन अपॉन आर यही बच्चों चालकत्व कहलाता है, चालकता कहलाती है। क्लियर हो गई बात? इसको आप लोग चाहें तो कैपिटल सी से शो कर सकते हैं या फिर बच्चों आप कैपिटल जी से शो कर सकते हैं। दोनों तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे आप इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर लें चाहे आप इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर लें। क्लियर हो गई बात? अर्थात अगर आपसे कोई पूछता है कि चालकत्व की परिभाषा क्या है, तो बच्चों मैं कह सकता हूँ कि चालक के प्रतिरोध, आर क्या था? प्रतिरोध था। चालक के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। शो काहे से करते हैं? कैपिटल सी से शो करते हैं या फिर कैपिटल जी से शो करते हैं। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें स्पष्ट समझ में आई होंगी। अब बच्चों यह जो वन अपान रो आप देख रहे हैं, इस वन अपान रो को एक टर्म दी जाती है के बोलते हैं, इसको के हम कह सकते हैं लेकिन वास्तव में बच्चों इसको हम लोग कप्पा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कप्पा बोलते हैं। तो वन अपान रो किसके बराबर है? कप्पा के बराबर है। और इस कप्पा को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस कप्पा को हम लोग नाम देते हैं बच्चों विशिष्ट चालकता। क्या नाम देते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको सारी बातें स्पष्ट हो रही होंगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए जो हमारे पास समीकरण थी जिसको लेकर के मैंने आपको प्रतिरोध बताया और विशिष्ट प्रतिरोध बताया, उसी समीकरण को बच्चों मैंने थोड़ा सा पलट करके बताया है। आर को वन अपॉन आर कर दिया तभी बच्चों यह कंडक्टेंस को डिफाइन कर गया। रो को बच्चों वन अपान रो कर दिया तभी इसने कप्पा को डिफाइन कर दिया। कप्पा क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब बच्चों यहाँ पर एक टॉपिक मैं और बता दूँ, ये जो एल अपान ए है यह टर्म कुछ भी नहीं है। यह जो टर्म आप एल अपान ए देख रहे हैं, यह जो टर्म आपने एल अपान ए देखी है बच्चों, यह एल अपान ए जो है इसको एक नाम दिया जाता है, हम लोग इसको कहते हैं सेल स्थिरांक।
बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बच्चों सेल स्थिरांक बोलते हैं। बच्चों आप लोग बहुत ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, तो मैंने यहाँ पर बच्चों आपको सेल स्थिरांक के बारे में बताया। बच्चों सेल स्थिरांक को हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो बच्चों हम लोग जी स्टार से इसको प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो 1/r बच्चों यह कंडक्टेंस कहलाता है, 1/ρ यह बच्चों कप्पा कहलाता है, L/a क्या कहलाता है, तो L/a बच्चों सेल स्थिरांक कहलाता है, जिसको हम लोग जी स्टार से शो करते हैं। अब अगर सेल स्थिरांक की कोई परिभाषा आपसे पूछे कि सेल स्थिरांक को जरा परिभाषित कीजिए, तो आप परिभाषित किस प्रकार से करेंगे जरा हमको इतना बताइए। आप इसके सूत्र से इसकी परिभाषा दे सकते हैं, क्या परिभाषा बनेगी आप देख लीजिएगा कि किसी चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात है, उस अनुपात को बच्चों हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बात करते हैं। हमने यहाँ पर 4-5 टॉपिक्स को बच्चों समझ लिया है। अब हम लोग बच्चों ये जितने भी टॉपिक हमने आज समझे हैं, हम लोग उनके मात्रक की बात करेंगे कि उनकी यूनिट्स क्या हो सकती हैं। और मात्रक में भी बच्चों कंडीशन है, हम लोग यहाँ पर SI मात्रक पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार के मात्रक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग बच्चों यहाँ पर SI मात्रक को पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। बच्चों चालक की लंबाई का हमने जिक्र किया था, L लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए हम लोगों ने क्षेत्रफल की बात की थी, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। बच्चों हम लोगों ने प्रतिरोध का जिक्र किया था, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक बच्चों ओम होता है। ये जो साइन मैंने बनाया है ओम का साइन है, तो प्रतिरोध का मात्रक बच्चों ओम होता है। ये जो रो मैंने टर्म यूज की थी, इस रो का जो मात्रक बच्चों होता है वो ओम मीटर होता है। क्या मात्रक बच्चों होता है, ओम मीटर होता है। तो मैंने इन पॉइंट को आपको बता दिया। अब बच्चों जो नए टॉपिक निकल करके आए हैं, जैसे कंडक्टेंस, जैसे आप देखेंगे विशिष्ट चालकता, जैसे आप देखेंगे सेल स्थिरांक, इनके टॉपिक्स को, इनके मात्रक को हम लोग यहीं से निकालेंगे। जैसे मैं जिक्र करता हूँ सबसे पहले कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस जिसको हम लोग सी से या फिर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग देखिएगा कंडक्टेंस जिसको हम लोग सी से या फिर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मात्रक बच्चों क्या हो सकता है। चूंकि इसका जो फार्मूला है तो 1/r है, और जो r का जो मैंने बताया था जो मात्रक है प्रतिरोध का बच्चों, वह तो ओम था। अब यह ओम नीचे जब ऊपर जाएगा तो बच्चों यह क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो कंडक्टेंस यानी चालकत्व या चालकता का जो मात्रक बच्चों निकल करके आया है, वह ओम इनवर्स निकल करके आया। इतनी बात क्लियर। बच्चों दूसरी बात मैं कप्पा की करता हूँ। कप्पा का मतलब विशिष्ट चालकता। इसका जो सूत्र था बच्चों 1/ρ था, और रो का जो मात्रक था मैं बता चुका था पहले ही आपको, रो का जो मात्रक था बच्चों वह ओम मीटर था। अब यह ओम मीटर भी ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स और साथ ही साथ बच्चों मीटर इनवर्स हो गया, तो दोनों के मात्रक स्पष्ट हो गए। चलिए बच्चों मैं तीसरे की बात करता हूँ, जी स्टार की बात करता हूँ। जी स्टार क्या चीज़ है, जी स्टार बच्चों सेल स्थिरांक मैं अभी आपको बता चुका था, और सेल स्थिरांक का मात्रक क्या था, सेल स्थिरांक का मात्रक बच्चों L/a था। L का मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक बच्चों मीटर था, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या था, मीटर स्क्वायर। तो मैं इस तरह से मीटर स्क्वायर लिख लेता हूँ, इसको इससे काट देता हूँ। यह मीटर जब ऊपर जाएगा तो यह क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों मैंने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। आप लोग मेरी वीडियोस को बैक कर करके फिर से देखना, ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, और आप इस टॉपिक्स को अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। इसके टॉपिक के आगे की महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, और अपनी ऑनलाइन स्टडी को चलते रखिए। आप उसको कंटिन्यू उसका अध्ययन कीजिए, अपनी कॉपी पर विधिवत नोट्स बनाइए।